जी, वो भी मंच पर आ जाएं। ये हमारी कोर टीम है जिन्होंने दिन रात हमारे लिए मेहनत की है और इस फिल्म को एक मिशन समझकर काम किया है इन्होंने, न कि फिल्म। अभिनंदन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सब में से? सर, इतने दिग्गज कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं और इतने सारे एक्टर्स हैं, सवाल तो आई एम श्योर बहुत सारे होंगे जी। मगर उससे पहले मैं चाहूँगा वसीम रिजवी जी, आप इससे पहले हमारे मीडिया को सवाल करें, आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट दिस फिल्म दैट्स रिलीजिंग ऑन 30th August। अभी आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था शाहजहाँ शेख का, सब ने देखा, कई दिन आपकी मीडिया पर वो हावी रहा। हमारी फिल्म में शाहजहाँ शेख जैसा ही एक कैरेक्टर है। हम लोगों ने जब सनोज जी रिसर्च करके आए थे तो उसमें शाहजहाँ शेख का किरदार भी हम पर वाज़े हो चुका था, हम समझ चुके थे। तो उस फिल्म की भूमिका जो निभाई है वो हमारे दीपक कंबोज जी ने निभाई है एज आ क्या बात है, शाहजहाँ शेख, मतलब शाहजहाँ शेख उसमें नाम नहीं है, महमूद साहब इनका नाम है, लेकिन ये एक एमपी का किरदार उसमें इन्हीं ने निभाया है। मैं स्पेशली ये बात कहना चाहता था क्योंकि ये मीडिया में बहुत दिन उछलता रहा शाहजहाँ शेख का किरदार, और जब तक आप लोगों ने उनको पकड़वा नहीं दिया तब तक आप लोग चलाते ही रहे। बहुत खूब सर, और जैसा कि सर ने कहा है कि मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बिकॉज हमारा एक स्तंभ है, तो इसी के साथ मीडिया से हमारे जो सवाल जवाब हैं वो चलेंगे। सो इफ एनी क्वेश्चंस वी आर ओपन टू क्यू एन ए। जी बिल्कुल, ये माइक जी। हेलो रिजवी साहब, मेरा सवाल आप